इट्स मी डीप लाइफ बैक विद अनदर वीडियो। और सुबह से मैं काफ़ी बीमार हूँ, मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज़ बिकॉज मेरे विजडम टीथ होते हैं, जो अक्कल के दांत होते हैं अक्कल के, वो आ रहे हैं। हाँ, मैं 21 साल का हो गया, पर आई डोंट हैव ऑल द 4 विजडम टीथ, और नीचे के दांत नहीं आए हैं, ऊपर के दांत आए हैं। और बोलने में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, ऐसे लग रहा है मैं मुंह में मावा लेके बोल रहा हूँ। आई थॉट अबाउट ब्लॉगिंग आज, क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो 18 से 24 साल के हैं, एंड उनको विजडम टीथ आ रहे होंगे। और द ओनली सॉल्यूशन दैट आई फाउंड ऑन दिस प्रॉब्लम इज, मैं सुबह से सो रहा था और मेरी आवाज़ ये वीडियो में कुछ अजीब साउंड करेगी, पर इफ़ आई टॉक नॉर्मली मुझे बहुत पेन हो रहा है, दोनों साइड के टीथ एक साथ आ रहे हैं। और पुणे व्लॉग में थोड़ा ब्लंडर हो गया एंड पार्ट में, और पुणे व्लॉग रेंडर करने को मेरे कंप्यूटर को 5 घंटे लगे। जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने वो ब्लंडर कर दिया है। कमेंट सेक्शन में मैंने मेंशन कर दिया था कि शाइस्ते खान की उंगलियां शिवाजी ने काटी थी, ना कि अफजल खान। मैंने अफजल खान बोला था, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया वो वीडियो में। बट द थिंग इज, मुझे जो लोकल्स बता रहे थे उधर के एंड जो मेरे गाइड्स थे, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स, और उनकी बातें सुन के मैं बोल रहा था, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में मुझे ये शिवाजी की हिस्ट्री थी। एंड मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे कई सारी चीज़ें हिस्ट्री की याद भी नहीं है अभी। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके सारे विजडम टीथ आ गए हैं या नहीं। अभी थोड़ा पसीना आ रहा है मुझे, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ और थोड़ी देर सो लेता हूँ, क्योंकि ये विजडम टीथ जो दुखते हैं 1-2 दिन ही दुखते हैं। एंड मुझे बुखार भी आ गया था सुबह, और काफ़ी बार आपको बुखार भी आ रहा होगा। मैं अपना मुंह इस तरह दबाए हुए हूँ क्योंकि ऐसे बात करने से मुझे दुख नहीं रहा है, वो एरिया थोड़ा नम हो रहा है। और मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, ऐसे कई सारे टीनेजर्स होंगे जिनके अभी विजडम टीथ आ रहे होंगे, एंड वो भी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। थोड़ा सा पसीना तो आ रहा है पर मेरा बुखार तो गया नहीं, तो आई एम रियली फीलिंग वेरी सिक इन दिस वीडियो। मैं अपने चैनल पे मेरे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें, इट विल बी हेल्पफुल टू यू, इट विल बी रिलेटेबल, क्योंकि अगर आप एक टीनेजर हो तो आप भी इस अनुभव से गुजरोगे, और या फिर आप पहले ही उस अनुभव से गुजर चुके होंगे। आज तो मैं शायद बेड से उठने नहीं वाला, तो मुझे लगा मेरा पूरा दिन वेस्ट होने वाला है, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बना दी, ताकि फ्यूचर में आपको भी मदद हो अगर आपके विजडम टीथ दुख रहे हो या आपको विजडम टीथ आ रहे हो। वैसे मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहता था, पर जैसे 9th-10th के बाद मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता था। एंड बचपन में मैं 1-2 बार एडमिट हुआ था जॉन्डिस की वजह से और निमोनिया की वजह से, एंड आई वाज अबाउट टू डाई, और एडमिट हुआ था और मैं मरने वाला था। तो मेरे मॉम डैड काफ़ी टेंशन में थे जब मैं छोटा था, तभी बहुत बीमार पड़ता था। और जैसे जैसे एज बढ़ी तो इम्यूनिटी बढ़ी और अभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, और आज मैंने कोई पेन किलर नहीं खाए हैं। तो मैं जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं खुद से ही देखता हूँ कि मैं खुद वो बीमारी ट्रीट कर दूँ। मैं ज़्यादा वैसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, तो अगर आप कोई डॉक्टर है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी। वैसे मैं सोचता हूँ कि अपनी बॉडी को सारी डिजीजेस का सामना खुद करना आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्या डीप लाइफ दांत आ रहे हैं और सह नहीं पाता है, तो गाइस जब भी दांत दुखते हैं ना, तो दांत का दुखना सबसे खतरनाक होता है। दांत जब दुखते हैं तो कुछ सूझता नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊं, मैं सुबह से 3 बार सो चुका हूं, क्योंकि जब मैं सोता हूं और बाद में उठता हूं तो ऐसा होता है कि पहले से थोड़ी बेहतर कंडीशन में होता हूं। तो मैंने पूरे वीडियो में ऐसी गंदी सी शक्ल बनाई है और मेरा आवाज़ भी ऐसा आ रहा है, तो दिस इज़ द वीकर साइड ऑफ डीप लाइफ। और ऐसी सारी परेशानियों से आप भी जूझेंगे, तो स्टे स्ट्रॉन्ग। अभी मैं सोने जा रहा हूँ फिर से, देखता हूँ कि आज ही मैं रिकवर होता हूँ या और 2-3 दिन लग जाते हैं। सो काफ़ी सारी लाइट आ रही है पीछे से, एंड आई होप आप मुझको सुन सकते हो। और 2 दिन हो चले हैं जब से मैंने वर्कआउट नहीं किया, तो पूरा ढीला पड़ चुका हूँ, एंड दिस इज़ माई बेड। तो ये वीडियो काफ़ी पर्सनल थी, आप मेरे बेडरूम में मेरे साथ मेरे बिस्तर पे, कम ऑन डीप लाइफ, आप मेरे बेडरूम में आके मेरे बेड पे मेरे साथ बातचीत कर रहे थे जब मैं बीमार था। तो धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए। काफ़ी दुखने लगा है मेरा जबड़ा, तो अभी मैं सोने जाता हूँ। आई होप टू सी यू व्हेन आई रिकवर।